हेलो, गुड इवनिंग। डिजिटल पेंटिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग बात करेंगे, जैसे कि स्मच पेंटिंग में यूज होने वाले टूल्स, कौन से टूल्स यूज करना है, ब्रश के बारे में बात करेंगे कि कौन से ब्रश यूज करना है, कौन से ब्रश को कहाँ यूज करना है, पेंटिंग करने से पहले ब्रश का सेटिंग कैसे करना है, ये सब के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं कुछ छोड़ देता हूँ या कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर से एक और वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो फोटो को थोड़ा शार्प करते हैं, जैसे इसका इसका फास्ट हो गया, इसका शेडो एंड हाइलाइट्स। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका शेडो एंड हाइलाइट्स को आप यहाँ पर इमेज पे चल जाइए, इमेज एडजस्टमेंट एंड उसके बाद शेडो एंड हाइलाइट्स, ये अपने आप ले लेगा बाय डिफॉल्ट। जितना भी लेना है आप इसको छड़छड़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसको ऐसे ऑटो छोड़ देने से, जैसे आप 10 फोटो के साथ काम करते हो तो ये 10 फोटो में अलग अलग जितना शेडो लेना है, जितना हाईलाइट लेना है, ये अपने आप ले जाता है। अगर आप कहीं लगता है कि नहीं, थोड़ा हमको शेडो का अमाउंट बढ़ाना चाहिए कि हाईलाइट को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, जो भी हो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही ले रहा है तो आप इसको फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे आप इसको ओके कर दीजिए। ओके, अब इसको क्या करना है, जैसे कि ये देखिए अभी इतना क्लियर नहीं है तो इसको थोड़ा साफ करना है। तो पहले का वीडियो में मैंने बताया साफ करने के लिए हम 2-3 तरीका यूज करते हैं। आप हाई पास यूज कर सकते हैं, शार्पन यूज कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन हम सिंपल इसमें खाली एक फिल्टर यूज करेंगे, शार्पन फिल्टर। और उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। आप इस लेयर को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देंगे न्यू आइकन में, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर शार्पन फिल्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप फिल्टर में आइए, फिल्टर शार्पन एंड अनशार्प मास्क। अनशार्प मास्क मतलब जो जो मास्क जो एरिया शार्प नहीं है उसको वो शार्प कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ले लिया 300 और रेडियस है 3.0, जो कि मैं पहले का फोटो में यूज किया था। तो आप इसको थोड़ा छोटा करके देख लीजिए। तो सही है, यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं इसे। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो आप या तो इसका अमाउंट कम कर सकते हैं या फिर आप इसका रेडियस कम कर सकते हैं। हम थोड़ा रेडियस कम कर देते हैं, 2.5। ओके, अब देख लीजिए ये आपका ओरिजिनल इमेज था, इसको हम फिल्टर यूज करने के बाद, ठीक है। अभी अगर आप चाहें तो इसमें यहीं पर ही आप इसको थोड़ा कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल तरीका यूज करें, तरीका तो बहुत है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज करिए। जैसे कि मान लीजिए ये पर्सन, इतना आप सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, ये लीजिए लास्ट टू 300। और इसका आप रेडियस को फिदर जो होता है 55-50 करके ओके कर दीजिए। ओके, अब यहां पर न्यू एडजस्टमेंट ले लीजिए, ह्यू सेचुरेशन कर सकते हैं, कलर बैलेंस कर सकते हैं, जो आपको मर्जी। आप कलर बैलेंस कर दे रहे हैं, कलर बैलेंस येलो को थोड़ा हम बढ़ा दिए या ब्लू को बढ़ा दिया।
थोड़ा येलो, ठीक है। अभी ये ऊपर ठीक है, ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज की है, जैसे आपका पेंटिंग में लगता है कि हाईलाइट हाईलाइट सब रहता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं या पोर्ट्रेट खत्म होने के बाद। तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं ये, इतना इतना आपको करना ही करना है डिजिटल पेंटिंग करने से पहले, क्योंकि देखिए ये आपका नॉर्मल है और यहाँ हम कुछ सेटिंग चेंज करने के बाद बहुत फर्क आता है। इसके बाद आपका पेंटिंग जो एक्चुअल पेंटिंग जैसा लगेगा। अगर आप डायरेक्ट इस पर आप पेंट कर रहे हैं तो, क्योंकि ये फ्लैट है, ये स्किन सब फ्लैट, यहाँ पर कुछ भी टेक्सचर नहीं है, तो इसके ऊपर जैसे आप स्मच करते हैं तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए आपको कुछ सेटिंग करना है, यहाँ पर थोड़ा शार्पन करना है इमेज को, थोड़ा कलर बैलेंस चेंज करना है। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसे प्लेन ही छोड़ सकते हैं, इसको मत करिए, इसको प्लेन ही छोड़ दीजिए। लेकिन आपको इमेज को शार्प करना ही करना है, नहीं तो आपका इमेज का आउटपुट क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया, तो अभी क्या करना है, इसको इसका बैकग्राउंड से फोटो को अलग करना है। आप या तो पहले पेंट कर दीजिए उसके बाद इसको अलग कीजिए, या पहले अलग कर दीजिए उसके बाद पेंट कर दीजिए। लेकिन अगर पहले से आप इसको बैकग्राउंड से अलग कर देंगे फोटो को और बैकग्राउंड लगा देंगे, तो पेंट करने में ज़्यादा इजी होता है। तो चलिए ये दोनों को हम एक ग्रुप कर देते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों लेयर को सिलेक्ट कर देंगे, जैसे कि ये लेयर को आप क्लिक किए, उसके बाद कंट्रोल पकड़ के इसको क्लिक कर दिए, दोनों लेयर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद या तो ये दोनों को ड्रैग करके आप यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये फोल्डर, यहाँ पर लाके रख देना है, तो ये एक ग्रुप हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड में डायरेक्ट कंट्रोल जी तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको हमको बैकग्राउंड से अलग करना है, तो आप इसको कटिंग करने के लिए जो भी टूल यूज करते हैं, लासो टूल हो गो या फिर क्विक सिलेक्शन टूल हो या पेन टूल, जो आप यूज करते हैं, जो जिसमें आप फ्री हैं आप वो यूज कीजिए। मैं पेन टूल यूज करता हूँ, तो मैं इसको फटाफट अलग कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मास्क अप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया मास्क, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये बैकग्राउंड को हाइड कर देगा। ये डिलीट नहीं किया है एक्चुअली, ये इसको हाइड कर दिया है, यहाँ पर मास्क लगा हुआ है ये हाइड कर दिया है। आगे भी आपका अगर चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यू लेयर लीजिए, ये यहाँ पर एक न्यू लेयर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेज पे जाके अप्लाई इमेज कर देना है और ओके। तो क्या ये जो आपका ये एक सिंगल लेयर हो गया है जिसका बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर
आप देख सकते हैं चश्मा कितने यहाँ पर रह गया, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम लोग का कटिंग हो गया है। अभी आप चाहें तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड दे सकते हैं, या फिर इसके नीचे एक तो सॉलिड कलर ले लीजिए कोई भी, ठीक है, एक ऐसे ग्रे कलर ले लीजिए, अभी हमको इसको पेंट करना है। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि पेंट करने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें ताकि वो इजी हो जाता है। तीन पार्ट में डिवाइड करें, पहला पार्ट हो गया इसका क्लॉथ, सेकंड पार्ट हो गया स्किन, और थर्ड में हो गया हेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आसान होता है, और एक ठो क्या रहता है जैसे सिस्टम टाइप का रहता है। तो आप इसको डिवाइड करते हैं, आपके पास कोई भी पिक्चर आता है पेंटिंग बनने के लिए तो आप उसको एक सिस्टम में काम करें कि आपका स्टेप सब ऐसे होना चाहिए, ये पहले इमेज शार्पनिंग के लिए हो गया, ये फिर पेंटिंग के लिए हो गया, और लास्ट में आपका बैकग्राउंड हो या कलर बैलेंस हो जो भी हो, उसके बाद आपका निकल जाएगा फाइनल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्लॉथ को करेंगे, फिर स्किन को, और लास्ट में करेंगे हम हेयर को। तो यहाँ पर एक तो सवाल आता है, सवाल मतलब क्या, आप कंप्लेन ही मान लीजिए कि आप सब लोग बोलते हैं कि आप ब्रश नहीं देते हैं, या जो ब्रश आप यूज करते हो वो हम लोग के पास नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ब्रश सेलेक्ट कीजिए, ब्रश राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग में क्लिक करके ये बेसिक ब्रश जो है इसको आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करके आप इसको ओके कर दीजिए, अपेंड मत कीजिएगा। अपेंड करने से क्या होता है, जो यहाँ पर आपका पहले ब्रश है उसके बाद ये ब्रश आ जाता है। तो इसको आप या तो पहले से सेव करके रख दीजिए दूसरा किसी नाम पे, और आप इसको जब ओके कीजिएगा तो ये सब ब्रश ही आएगा। ये अभी जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये सब ब्रश ही आएगा। तो आप यहाँ पर जाइए, बेसिक ब्रश पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपको ये ब्रश सब मिलेगा। ये हो गया आपका स्मूथ ब्रश, ये हो जो भी हो, और इसमें से आप कोई भी ब्रश सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम ये ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रश सिलेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है, मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका सेटिंग है ब्रश का, ठीक है, इस पर जाइए, और यहाँ पर जो स्पेसिंग है आप स्पेसिंग को बंद कर दीजिए। स्पेसिंग रहने से क्या होता है, आप जब स्मच करते हो तो ये मैश हो जाता है। ठीक है, आप स्पेसिंग यूज कर सकते हैं हेयर के लिए, वहां पर यूज कीजिए, या फिर आप स्ट्रोक दे रहे हैं हेयर पे तो वहां पर आप स्पेसिंग यूज कीजिए, लेकिन क्लॉथ पे और स्किन पे आप स्पेसिंग मत यूज कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर दिया। अब और एक इम्पोर्टेंट पार्ट, हम स्मच ब्रश स्मच सेलेक्ट कर लिए और ब्रश ले लिए, उसके बाद स्मैशिंग को ऑफ कर दिया। अब करना क्या है, हमको इसी सेम लेयर में उसको पेंट करना है, या इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेके उस पर पेंट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है,
अगर आप इस पे पेंट करते हैं ऐसे लेयर पे, तो ये जो ओरिजिनल है ये सब पेंट हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेते हैं और उस पे पेंट करते हैं तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके ऊपर जो लेयर रहेगा उसमें सब पेंट होगा। तो आपका ये ओरिजिनल लेयर का ओरिजिनल लेयर भी रहेगा, उसके ऊपर एक तो ये सेम चीज क्लोन हो जाएगा। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको इसी लेयर पे करना है या इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेके करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप अगर इसी लेयर पे प्रिंट पेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये सैंपल अर्ल लेयर का चेक रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप ऑफ कर दीजिए अगर आप इसी लेयर पे कर रहे हो तो, क्योंकि सेम लेयर है, यहाँ पर सैंपल करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर इसके ऊपर वाला लेयर पे पेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आप सैंपल अर्ल लेयर ऑन रखिए, तो उसमें क्या होगा, नीचे वाला लेयर जो है वो ऊपर ही पेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर ले जाते हैं, न्यू लेयर, अभी सैंपल ऑल लेयर है। और अभी अगर हम यहां पर पेंट करेंगे यहां पर, मैं तो ये क्या हुआ, ये आपका लेयर जैसा कि वैसा है, आपका ओरिजिनल फोटो जैसे कि वैसे है, ये उसके ऊपर ये पेंट कर रहा है। ठीक है, ये इसके ऊपर पेंट कर रहा है, तो आपका ओरिजिनल फोटो में इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, जैसा कि वैसा रहेगा। और अगर आप इसको ऑफ करते हैं और फिर यहाँ पर आप पेंट करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सैंपल नहीं है नीचे के साथ। ठीक है, तो आप देख लो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको सही लगता है कि आपको उसी सेम लेयर पे करना है या उसको ऊपर लेयर पे करना है। उसका ऊपर लेयर पे करने का एक फायदा बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें कर दिए सैंपल अर्ल लेयर और अभी हम इसको पेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पैंट। अब क्या करना है हमको, फिर ये टाई बनाना है। आप चाहो तो इसी लेयर पे ही टाई बना सकते हो, आप चाहो तो एक और एक नया लेयर ले जाओ और उस पे आप ये बना सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये एक अलग लेयर है जहाँ पर ये शर्ट का कलर था ये वाला, और ये एक अलग लेयर है, ये कोट है आपका। वैसे आप चाहें तो इसके ऊपर और एक लेयर ले सकते हो, वहाँ पर स्क्रीन आप पेंट कीजिए, उसके बाद और एक लेयर लीजिए, उस पर आप हेयर यूज कीजिए। ऐसे क्या होता है, आपका जो पूरा फाइनल आउटपुट होता है वो प्रोफेशनल लगता है। ऐसे आप चाहो तो इसी सेम लेयर पे ही, इसी एक सिंगल सेम लेयर पे ही सब कर सकते हो, आप चाहो तो उसको सबको अलग अलग लेयर करके भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, मैं आपको प्रोसेस बता दिया। तो सबसे पहले जो आपका राउंड वाला ये जो ब्रश वाला प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया मेरे हिसाब से। इस पे आप एक क्लॉथ भी कर सकते हो और इस पे आप स्किन को भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ।
ब्लेंडिंग करते टाइम एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको ब्रश को जो है वो आपका फोटो का जो एंगल है उसी के हिसाब से ही उसको आप चलाना है। देखिए जैसे मैं इसको चला रहा हूँ ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है, स्मच पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है ब्रश चलाना। अगर आप सही से ब्रश यूज नहीं कर रहे हो तो फिर आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा, प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो वही एक ही ब्रश है, सिंगल ब्रश, जिसमें आप स्किन भी कर सकते हो और क्लॉथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हेयर ब्रश पे। तो आप अगर चाहो तो यही सेम ब्रश में आप हेयर भी कर सकते हो। कैसे, देखिए इसका साइज आप कम कर दीजिए पूरा कम, ठीक है, 5, और इसी को ही एक न्यू लेयर ले जाते हैं। चलो इसको मर्ज कर देता हूँ मैं, एक न्यू लेयर ले जाते हैं और यहाँ पर पेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सेटिंग में जाके ये जो स्पेसिंग है यहाँ पर आपको ऑन रखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेसिंग ऑन रखना है। स्पेसिंग ऑन कर दिए, यह अपना नया लेयर हो गया। अभी इसके ऊपर हम हेयर बनाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरा कोई ब्रश यूज करने के लिए, सिंगल ब्रश में सारा का सारा हो जाएगा। वैसे कुछ वीडियो है जिसमें मैंने फ्री ब्रश प्रोवाइड किया हूँ, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम ब्रश भी है, आप चाहो तो उसको भी परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट
यही सिंगल एक ही प्रेस में भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं सिंगल ब्रश ही यूज कर रहा हूँ, कोई स्पेशल ब्रश नहीं, कोई दूसरा ब्रश नहीं, वही ब्रश है जो फोटोशॉप में बाय डिफॉल्ट है। इसके नीचे यहाँ थोड़ा स्किन को पेंट कर देते हैं ताकि ब्रश ठीक से पता चले। देखिए ये हो गया हम लोग का हेयर। वैसे आप सन ब्रश को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा आईब्रो भी करके दिखा देता हूँ।
अब इसके बाद आप चाहें तो बैकग्राउंड भर कर सकते हैं। दो चार कलर ऐसे मिला के इसको आप कुछ भी एक बैकग्राउंड बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई बैकग्राउंड उठा करके आप नीचे लगा सकते हैं। तो ये तो मैं एक बेसिक सा वीडियो बनाया हूँ। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या इसके रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करिए, मैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।